दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स 9 महीने तक बाहर रहने के बाद अब 2017 हीरो वर्ल्ड चैलेंज में वापसी करेंगे। यह टूर्नामेंट 30 नवंबर से शुरू होगा। वुड्स ने स्वीकार किया है कि दुनिया के चोटी के गोल्फरों की मौजूदगी वाले इस टूर्नामेंट में खेलना एक चुनौती होगी। टूर्नामेंट में विश्व के शीर्ष 10 गोल्फरों में से 8 शिरकत कर रहे हैं। वुड्स ने वापसी के लिए इस टूर्नामेंट का चयन किया है। ये 14 बार का मेजर विजेता पीठ के ऑपरेशन के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी कर रहा है। इस स्टार गोल्फर ने फरवरी में दुबई क्लासिक से पहले दिन प्रतिस्पर्धी राउंड खेला था, लेकिन इसके बाद पीठ दर्द के कारण वो हट गए थे। इससे पहले वुड्स अगस्त 2015 से दिसंबर 2016 तक भी बाहर रहे थे। अब वुड्स दर्द से मुक्त हैं और इस 41 वर्षीय गोल्फर ने कहा कि वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, मुझे अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने में कमी महसूस हो रही थी। मैं कोर्स पर उतरकर 18 होल खेलना चाहता हूं। मैं लगभग पिछले 2 साल से ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पीठ में काफी दर्द है। अब मैं वापसी करने और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए काफी अच्छी स्थिति में हूं।